दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप मेरी वीडियोस फ्यूचर में दोबारा से देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कार व्लॉगर को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरी वीडियोस कभी भी मिस ना कर पाएं। हे दोस्तों, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी आप देख सकते हो मैं महिंद्रा के शोरूम में आया हूँ क्योंकि आज KUV100 NXT लॉन्च हो रही है और TUV T10। सो यह इसमें आपके DM भी आ रहे हैं, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट के DM भी आ रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। न्यूज़ में जाएगा ये। सही। ऑलराइट दोस्तों, अभी हम पीछे की तरफ आ गए जहाँ पे सारी गाड़ियाँ जान की खड़ी होती है। तो पीछे अभी मैं आपको दिखाऊंगा KUV का डेमो वाला मॉडल, ठीक है? क्योंकि आगे बहुत भीड़ होती है तो नवीन सर ने मेरे को भेजा है विजय भैया के साथ। भैया एक बार हाई बोल दो। तो भैया मेरे को हेल्प करेंगे इस गाड़ी में जो बाकी 40 नए फीचर आ रखे उनके बारे में बताने के लिए। तो आओ देखते हैं। वैसे अगर आपको इस गाड़ी के बारे में फुल वीडियो देखनी है तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, पर आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है? तो उसमें आप पूरी वीडियो देख सकते हो। इसमें मैं वही फीचर दिखाऊंगा जो फीचर इसमें नए आ रखे हैं, ठीक है? लेट्स गो। अगर आप देखो यहाँ पे आपको जो हेडलाइट है ये इसका डिज़ाइन बदल दिया गया, ठीक है? बाकी यहाँ पे आपको DRL मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये कितना बढ़िया लग रहा है। बाकी अगर हम नीचे देखें, नीचे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ये मिल रहा है, प्लेट होती है जिससे नीचे का हिस्सा एकदम मतलब सेफ रहता है। हाँ, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको अब थोड़ा चेंज मिल जाएगा, डिज़ाइन बदल रखा है इसका। यहाँ पे अब आपको NXT की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि 3D में है मतलब। बाकी ये इसके डुअल टोन डायमंड कट एलॉय व्हील 15 इंच के। बाकी यहाँ पे आपको क्लैडिंग वगैरह मिल जाती है इस तरफ को। बाकी यहाँ पे अब आपको इंडिकेटर के साथ ORVM मिल जाएंगे। अब आपको अभी आपको विजय भैया चला के दिखाएंगे, ऐसा मिलेगा, ठीक है? अब आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। बाकी अगर हम पीछे हैं तो पीछे अगर अब आपको ऊपर की तरफ आपको स्पॉयलर मिल जाएगा जो कि पहले नहीं आता था, अब आता है, ठीक है? बाकी नीचे देखिए तो यहाँ पे आपको NXT की आपको यहाँ पे दिख जाएगी ब्रांडिंग। और ये रे, इसमें भी सब कुछ चेंज कर रखा है। पहले आप देखोगे पहले एकदम नॉर्मल था लेकिन अब ये LED वाले आ गए हैं। बाकी यहाँ पे आपको सेंसर वगैरह मिलते हैं और बाकी पूरा गार्ड आपको यहाँ तक आता है, ठीक है? और बाकी जो इसमें चेंजेस है वो अंदर है। आओ अंदर चलते हैं। इसको गाने मत बजाना, मेरा कॉपीराइट आ जाएगा फिर उसमें। ऑलराइट दोस्तों, हम इस गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और सच बताऊं पहले जो इसका इंटीरियर दिखता था उसके मुकाबले अब तो ये मतलब लाजवाब और काफ़ी अच्छा हो गया है। अभी भैया ने फ़ोन इस पर ब्लूटूथ से कनेक्ट किया तो इसमें भी आवाज़ आई अभी जब रिंगटोन बजा। लेकिन आज जो उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम आया ना 7 इंच का, वो उसकी फंक्शनैलिटी सेम टू सेम वैसी है जैसी इसकी XUV में, सेम टू सेम वैसी फंक्शनैलिटी और सारे वही फीचर हैं जो कि फीचर बहुत कमाल के फीचर है। अगर आपको वो फीचर देखना है, हम उसमें पहले से वीडियो बना चुके हैं, मैंने फैजल भैया के संग मैंने वो वीडियो बनाई थी, उस वो पूरी डिटेल है। तो आप अगर आपको उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में जानना है पूरा तो ऊपर आई बटन मिल जाएगा, उसमें आपको उसके बारे में सारे फीचर मिल जाएंगे। तो ये आप इसका देख लो इंफोटेनमेंट सिस्टम, देखो बढ़िया लग रहा है पहले के मुकाबले तो अब ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी देख सकते हो आप गाने वाने अभी हम बजा रहे थे। बाकी अगर आप देखोगे काफ़ी रिस्पॉन्सिव टच मिल जाएगा, ये देखो सेम टू सेम सारे फीचर वैसी है, बिल्कुल लैग नहीं करेगा। देखो कितने फास्ट काम कर रहे हैं, कुछ भी कर लो वो सब सारी चीज़ फास्ट काम करेंगी। देखो बाकी इसमें आपको सारे फीचर मिल जाएंगे बेसिक से। बाकी यहाँ पे डिज़ाइन में फ़र्क कर रखा है, ऊपर इंटीरियर अब आप देख सकते हो सॉफ्ट टच में आ चुका है जो कि बहुत कमाल लग रहा है। बाकी ये तो वैसे आप इसमें नॉर्मल वीडियो देख लेना, मैंने उसमें सब कुछ दिखा रखा है इसमें। और बाकी पीछे बैठ के देखते हैं पीछे क्या कुछ बदल रखा है। दोस्तों अगर हम पीछे चेंजेस के ऊपर बात करें तो इसमें अब सीट्स बदल दी गई हैं, मतलब पहले इनका जो दूसरा डिज़ाइन आता था अब लेकिन दूसरा डिज़ाइन आता जो कि जिस इसका जो मुझे क्वालिटी लग रही है ना, मुझे पहले वाले से ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है, पता नहीं क्यों। देखो मतलब सॉफ्ट टच दे रखा है ताकि कोई भी इंसान अगर पीछे बैठे तो उसे अच्छा महसूस हो। दोस्तों अगर हम इसकी चाबी की बात करें तो इसमें भी अब चेंज हो रखा है। तो आप देख सकते हो इसमें एक लॉक अनलॉक और एक बूट स्पेस बूट खोलने का है, ठीक है? देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है
चाबी देखो मेरे हाथ में, ठीक है। बूट देख सकते हो आप, ब्लॉक है, नहीं खुलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इससे आप कुछ देर तक होल्ड रखो, खुल गया, आओ, वही है। तो ये कुछ फीचर इसमें बदले गए हैं जो कि अब आपको नई गाड़ी में मिलेगा, जो कि है NXT। सॉरी अगर आपको आवाज़ आ रही हो, क्योंकि पीछे की तरफ अभी हम खड़े हुए हैं जहाँ पे गाड़ियाँ धुलती हैं। अब पहले के मुकाबले ज़्यादा मतलब गाड़ी और अच्छी कर दी है, अब जो बढ़िया पैकेज लग रहा है, पता मुझे ये तो ही है। अरे यार बाल कैसे हो गए, खैर छोड़ो। तो दोस्तों मैं घर वापस आ चुका हूँ और आई एम सॉरी मैं आपको TV नहीं दिखा पाया, क्योंकि TV आपको क्या मैं खुद नहीं देख पाया, क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है और साथ में बहुत भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तभी मैंने, अच्छा हुआ नवीन सर ने मेरे को पीछे भेज के लॉन्चिंग के बाद KUV पे वीडियो बनाने का टाइम दे दिया। बात करें तो यार उसमें मैकेनिकली तो कुछ चेंज हुआ नहीं, उसमें आपको वही 1.2 लीटर का पेट्रोल और डीजल इंजन मिलता है। लेकिन हाँ, इस बार फीचर बहुत अच्छे ला रखे हैं, काफ़ी मतलब अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा लुक बना दिया है। एक तो लुक्स की बात करें तो गाड़ी का लुक पहले ही लोगों को बहुत पसंद आता था, अब लेकिन गाड़ी को थोड़ा मैच्योर लुक दे दिया और साथ में SUV का लुक और बढ़ा दिया उसका, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और खासकर मेरे को जो पर्सनली जो मुझे फीचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो लगा मुझे इनका टच स्क्रीन वाला, जो कि पहले थोड़ा मिसिंग था लेकिन अब काफ़ी बढ़िया है। और मेरे हिसाब से तो ये गाड़ी उन लोग के लिए भी बहुत बढ़िया है जो लोग का बजट बहुत कम है। अगर आप बहुत कम बजट में चलो, लेकिन इसके लोअर वेरियंट में भी आपको बहुत अच्छे फीचर मिल जाते हैं। अगर आपको इस गाड़ी के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको शोरूम के नंबर भी दे दूंगा, आप उस पर फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि किस मॉडल में क्या क्या फीचर है, और एड्रेस भी दे दूंगा तो आप उसमें खुद जाके भी पूछ सकते हैं। बाकी मैं दीपावली के बाद में अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे प्रॉपर बता देना, मैं एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि KUV भी बना दूं और TUV भी बना दूं, वो आप लोग बताना, मैं वरना अलग अलग करके भी बना दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और दोस्तों जिन लोग को नहीं पता, मैं दिल्ली आ रहा हूँ मीटअप के लिए, क्योंकि बहुत से लोग की डिमांड थी कि यार आप मीटअप करवाइए। तो 20 अक्टूबर दीपावली के अगले दिन, 20 अक्टूबर शाम को 5 बजे इंडिया गेट पे मीटअप है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर आएंगे। अगर आप दिल्ली NCR से हो तो ज़रूर आइए, काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे और मज़े करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो देख के अच्छा लगा होगा, आपको जैसा भी लगा आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैंने जो आपको फीचर दिखाया, मैंने एक आपको एक छोटा सा टूर दे चुका हूँ गाड़ी का, और मुझे आप बताइए कि आपको इस गाड़ी में कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, या लुक्स में कैसी लगी। लुक्स में मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी और फीचर में भी अच्छा अपग्रेड कर रखा है कंपनी ने, बहुत अच्छे से किया है। तो यार मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मीटअप में ज़रूर आना अगर आप दिल्ली NCR से हो, शाम को 5 बजे 20 अक्टूबर इंडिया गेट।